हे गाइस, दिस इज प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2019 रिलीज हॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में, जिसका नाम है दे कम नॉकिंग। कहानी की शुरुआत में हम सिंगर्स फैमिली को रोड ट्रिप पर निकलते हुए देखते हैं, नेथन और उनकी बेटियां क्लेयर एंड मैगी। हम नोटिस करते हैं क्लेयर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है, किसी से बात नहीं कर रही। नेथन कुछ पूछ भी रहे हैं तो जवाब नहीं दे रही। ऐसा इसलिए क्योंकि वो उनसे नाराज है, अभी तक माफ नहीं कर पाई है उन्हें। उसे अभी भी लगता है उसके माँ के मौत के लिए उसके पापा ही जिम्मेदार है, एक खूनी है वो। असल में ऑलमोस्ट एक साल पहले एक दिन उनकी माँ वैलरी की तबीयत अचानक बहुत खराब होने लगी थी। उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया तो रिपोर्ट से पता चला उन्हें कैंसर है। अंदर ही अंदर वो कब इस बीमारी का शिकार बन गए थे उन्हें पता ही नहीं चला। फाइनली जब पता चला तब तक बहुत लेट हो चुका था। डॉक्टर्स ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। वैलरी किसी तरह जिंदा तो बच गई लेकिन कोमा में चली गई। लाइफ सपोर्ट के भरोसे दिन बीतने लगे उनके। नेथन से और ये सब देखा नहीं गया। वैलरी ऐसी लाइफ डिजर्व नहीं करती, इतनी तकलीफ इतना दर्द, ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। तो उन्होंने वही किया, आज़ाद कर दिया अपने वैलरी को। उन्होंने सही किया या गलत वो तो नहीं पता, मगर उनके इस डिसीजन का बहुत गहरा असर पड़ा उनके बच्चों पर, स्पेशली क्लेयर पर। वो तैयार नहीं थी, खुद को संभाल नहीं पाई वो। उसे लगने लगा उसकी माँ रिकवर कर सकती थी अगर नेथन ने उनका लाइफ सपोर्ट हटाया नहीं होता। सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाई क्लेयर। नेथन से उसका रिश्ता खराब होने लगा, उनसे दूर जाने लगी वो। इवन अपनी छोटे बहन से भी उसका कनेक्शन टूट गया। दूसरी तरफ मैगी एक समझदार बच्ची है। इस छोटे से उम्र में ही उसने अपने फीलिंग्स को हाइड करना सीख लिया है। उसे पता है इस समय उनके पापा को उनकी ज़रूरत है। इस ट्रिप का मेनली दो मकसद है, फर्स्टली इन तीनों के बीच उलझे हुए रिश्तों को सुलझाना, एंड सेकेंडली वैलरी के क्रिमेशन एशेस को उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाना। वो लोग अभी जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ नेथन और वैलरी अपने फर्स्ट डेट पर गए थे, पहाड़ और रेगिस्तान के बीच एक अनवर्ल्डली जगह, वैलरी की फेवरेट स्पॉट। उसे याद करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। मगर उन्हें क्या पता था यहाँ पर उनके और भी मेमोरीज बनने वाले हैं जो शायद उतने प्लेजेंट नहीं होंगे। आने वाले कई सालों तक उनके नाइटमेयर्स का कारण बन जाएगी यह जगह, और इस अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता। हम देखते हैं सिंगर्स फैमिली आखिरी गैस स्टेशन पर रुकते हैं, खाना खाते हैं, कुछ ज़रूरी सामान खरीदते हैं और फिर निकल पड़ते हैं। मगर उन्हें पता नहीं चलता यहीं से कुछ काली परछाई उनके पीछे पड़ जाती है, जो उनके अंदर के एम्प्टीनेस और नेगेटिव इमोशंस को पहचान चुके थे। क्लेयर कुछ मिसिंग पोस्टर्स देख रही थी। रिसेंटली इस जगह में बहुत सारे बच्चे गायब हुए हैं जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चला। तभी उसकी नज़र पड़ती है बाहर, एक छोटा सा लड़का खड़े उसे ही घूर रहा है। उसके कपड़े बहुत ही अजीब है। क्लेयर किसी को दिखा पाए इससे पहले ही वो बच्चा कहीं गायब हो जाता है, तो वो और ध्यान नहीं देती, जा पहुंचती है अपने डेस्टिनेशन तक। जगह वाकई बहुत ही खूबसूरत है मगर बहुत ही ज्यादा सुनसान भी। आसपास लोग तो दूर कोई एनिमल भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्लेयर अपनी बॉयफ्रेंड को मैसेज भी नहीं कर पाती क्योंकि फोन में नेटवर्क नहीं था। मैगी और नेथन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो लोग एक दूसरे के साथ ही एंजॉय कर रहे थे। अकेली पड़ जाती है क्लेयर। वो इधर उधर भटकने लगती है मगर नोटिस नहीं करती उसके आसपास बहुत सारे बच्चों की चीज़ें पड़े हैं। तो क्या ये उन्हीं मिसिंग बच्चों के हैं? गॉड नोज। रात होते ही इस जगह की खूबसूरती एक दहशत में बदल जाती है। चारों तरफ इतना साइलेंस था मानो जैसे वक्त ही थम चुका हो। ऐसे में देर रात जब सभी लोग सो चुके थे, अचानक उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। पहले क्लेयर को लगा उसकी गलतफहमी होगी, इतने रात गए कौन आएगा, बाहर तो कोई नहीं है। मगर जैसे ही वो फिर से सोने की कोशिश करती है उसकी नजर पड़ती है वेंटिलेटर की तरफ, जहां से कोई झांक रहा था। डर से क्लेयर की हालत खराब हो जाती है, चिल्लाने लगती है वो और उसके चीखों से बाकी सभी जाग जाते हैं। इस बार सभी को सुनाई देती है आवाज, कोई लिटरली धक्का दे रहा था दरवाजे पर जोर जोर से। सभी डर जाते हैं, इवन नेथन भी। किसी को समझ नहीं आता क्या हो रहा है। नेथन जब पूछता है कौन है, जवाब एक बच्चे से आता है। वो बच्चा ट्रेलर के अंदर आने की मांग कर रहा था, कुछ दिखाना चाहता था वो उन लोगों को। ये वही बच्चा था जिसे क्लेयर ने गैस स्टेशन पर देखा था। क्या ये लड़का उनका पीछा कर रहा है? लेकिन वो गैस स्टेशन यहाँ से 50 माइल्स दूर है, इतनी दूर ये बच्चा कैसे आ गया?
नेथन दरवाजा खोलने ही वाले थे कि क्लेयर उसे रोकती है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा तो नेथन भी पीछे हट जाते हैं। बच्चे से कह देते हैं कि वो दरवाजा नहीं खोलेंगे, जिसके जवाब में वो बच्चा बहुत ही क्रीपी तरीके से हंसता है और कहता है कभी ना कभी तो उन्हें बाहर आना ही होगा। ये कहकर वो निकल जाता है। उसके हंसी की आवाज से इन तीनों की रूह कांप उठती है। उसके जाने के बाद नेथन बाहर जाते हैं चेक करने। उन्हें कुल्हारे दिखती है, शायद इसी से वो बच्चा धक्का दे रहा था। वो उसे अंदर लाकर दरवाजा लॉक कर देते हैं। उन्हें दिखाई नहीं देता वो बच्चा उनके ट्रेलर के ऊपर ही बैठा है। बाकी के रात और कुछ नहीं होता। क्लेयर और मैगी भी सो जाते हैं, मगर नेथन को नींद नहीं आती। वो हाथ में कुल्हारी लेके कॉन्स्टेंटली बैठे रहते हैं अपने बेटियों की रक्षा करने। पता नहीं एक छोटे से बच्चे से उन्हें इतना डर क्यों लग रहा था। सुबह होते ही उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगता है। किसी ने उनके गाड़ी का सत्यानाश कर दिया था। अब इस गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल पाना तो इम्पॉसिबल है। उन्हें किसी से मदद लेनी पड़ेगी, मगर किससे? यहाँ दूर दूर तक तो कोई नहीं रहता। नेथन डिसाइड करते हैं वो हाइक करके हाईवे तक जा पहुंचेंगे। वहां उन्हें नेटवर्क मिल जाएगा तो वो मदद भी बुला पाएंगे। होपफुली उन्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन तब तक मैगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर की। नेथन उसे एक रेडियो देते हैं जरूरत पड़े तो उन्हें कॉन्टैक्ट करने के लिए, और फिर ट्रेलर के अंदर जाके दरवाजा लॉक करने के लिए कहकर निकल जाते हैं। क्लेयर नोटिस करती है किसी ने उनके गाड़ी के कांच पर सैड फेस बनाकर गया था। ये जरूर उसी बच्चे का काम होगा, मगर उसे कैसे पता ये लोग सैड है। कुछ देर बाद मैगी की नींद टूट जाती है। वो अपने बहन से पूछती है पापा कहाँ है, मगर क्लेयर उसे डराना नहीं चाहती थी, इसीलिए कहती है पापा हाइक पर गए हैं, आ जाएंगे कुछ ही देर में, तुम अगर चाहो तो उन्हें रेडियो पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैगी कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करती है मगर कोई जवाब नहीं मिलता। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। सुबह से दोपहर हो जाती है लेकिन नेथन नहीं लौटते। क्लेयर को भी टेंशन होने लगती है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। इसी बीच दो हादसे होते हैं। पहला नेथन के साथ, हम देखते हैं वो रास्ता भटक चुका है। उन्हें हाईवे तो नहीं मिला बल्कि एक ट्रेलर दिखता है, मतलब उनकी तरह कोई और भी आया है यहाँ पर कैंपिंग करने। वो उसी वक्त भागते हैं उनसे बात करने, मगर ट्रेलर के पास पहुंचते ही उसे कुछ अजीब लगता है। अंदर किसी के सामान पड़े थे मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, और बाहर बहुत सारे वाटर बॉटल्स रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर ऐसा रखा हो। वो फिर से जाते हैं चेक करने और इस बार उन्हें दिखती है एक आदमी की लाश। उसने सुसाइड किया था नस काट कर। शायद ज्यादा दिन नहीं हुए होंगे। धूल पर लिखा था हेल्प मी और उसके पास पड़े पेपर्स पे कुछ अजीब स्केचेस बने हुए थे बच्चों के, जिसमें नॉर्मल बच्चों के साथ साथ कुछ अजीब बच्चे भी थे ब्लैक हुडी में, बिल्कुल जैसे कल रात उन्होंने देखा था। और ट्रेलर के बाहर खिड़की पर बच्चों के हैंडराइटिंग में लिखा था क्या हम अंदर आ सकते हैं। ध्यान से देखने पर नेथन को सारा मामला समझ आ जाता है। ये आदमी जरूर अपने दो बच्चों के साथ यहाँ पर आए थे उनके माँ के डेथ एनिवर्सरी पर। उन्हें भी रात में वो क्रीपी बच्चे दिखाई दिए। इस आदमी ने उन्हें भगाने की कोशिश की, बंदूक भी चलाए मगर उनसे बच नहीं पाए। उनके बच्चों को वो ले ही गए। बाद में ये आदमी खुद को ट्रेलर में लॉक करके बचाने की कोशिश की, मगर पीने का पानी खत्म हो गया। वो पानी की जगह तेल पीने लगे, मगर ऐसा कब तक चलता। बाहर वो बच्चे उसे पानी के बॉटल से ललचाने लगे थे। फाइनली इस आदमी ने हार मान लिया और सुसाइड कर ली। कल रात ही नेथन को एहसास हुआ था वो बच्चा नॉर्मल नहीं है। ईविलनेस झलक रही थी उनके चेहरे से। अभी तो वो बिल्कुल ही श्योर हो गए शैतानी शक्ति है उन बच्चों के अंदर। उनका अगला शिकार जरूर क्लेयर और मैगी होने वाले हैं। नेथन को उन्हें बचाना ही होगा हर हाल में। वो उसी वक्त वापस भागते हैं ट्रेलर के तरफ। रेडियो पर भी ट्राई करते हैं मगर कोई जवाब नहीं मिलता, बस एक डिमोनिक हंसी सुनाई देती है। उधर ट्रेलर में एक और कांड हो चुका था। क्लेयर वॉशरूम गई थी कुछ मिनट्स के लिए। जब वो बाहर निकली तो मैगी गायब हो चुकी थी, कहीं नहीं थी वो। क्लेयर को डर भी लग रहा था, फिर भी वो नहीं रुकी, निकल पड़ती है अपने बहन को ढूंढने। कुछ दूर जाने पर उसे एक जंकयार्ड दिखता है। उसके सामने ही पड़ा था मैगी का जूता जिस पर सैड फेस बना हुआ था, और उसके आगे था वो डॉल जिसे मैगी कभी खुद से दूर नहीं करती। इसका मतलब वो यहीं कहीं है। क्लेयर जोर जोर से अपने बहन को बुलाने लगती है, जिसका जवाब उसे मिलता है सामने पड़े कंटेनर के अंदर से। वो गाना गा रही थी बहुत ही क्रीपी टोन में, मगर अंदर तो कोई नहीं था।
क्लेयर जैसे ही अंदर झांकती है उसके पीछे दरवाजा बंद हो जाता है और फिर क्लेयर को दिखती है अपनी माँ जो बहुत ही भयानक दिख रही थी। कंटेनर के कोने में बैठकर रो रही थी वैलेरी। क्लेयर को देखते ही क्रॉल करते हुए उसके तरफ आगे बढ़ने लगती है। उनके अंदर कुछ भी मॉडर्ली नहीं थी, डेविलिश लग रही थी वो। डर से क्लेयर की हालत खराब हो जाती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है वो। फॉर्चुनेटली नेथन भी तब तक आसपास पहुंच चुके थे। उसे क्लेयर की आवाज़ सुनाई देती है और वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोल देते हैं। उनके इमीडिएट एक्शन ने क्लेयर को तो बचा लिया था, मगर मैगी तब भी लापता थी। पता नहीं वो कहाँ चली गई। वो लोग ट्रेलर में लौट आते हैं और देखते हैं मैगी उनके सामने ही बैठी है। वो कहती है उसे बाहर नेथन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब वो चेक करने गई तो उसे उसका डॉल गुम हो गया और उसे ढूंढने के चक्कर में ही वो कुछ दूर निकल गई थी। फॉर नाउ सभी सलामत थे। नेथन के लिए यही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उन्हें यह भी पता था यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। निकलना होगा उन्हें यहाँ से, गाड़ी तो नहीं चलने वाली, हाइकिंग एक रास्ता है। वो डिसाइड करते हैं आज रात जैसे तैसे यहाँ पर बिताकर कल सुबह सभी एक साथ निकल पड़ेंगे। देखते देखते शाम हो जाती है। नेथन और क्लेयर एक दूसरे से अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उन दोनों को ही लग रहा था आज रात भी वो बच्चे आएंगे, ज़रूर आएंगे। उन्हें ट्रेलर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, उन्हें अलर्ट रहना होगा। बस एक बार उनका इंटेंशन समझ आ जाए तो शायद उनसे डील करना आसान हो जाएगा, मगर उतना वक्त उन्हें नहीं मिलता। सूरज डूबने के साथ साथ ही उन बच्चों का हमला शुरू हो जाता है। इस बार वो लोग और ज्यादा अग्रेसिव हो चुके थे। उन्होंने केरोसिन का एक पूरा जार ट्रेलर के सामने डाल के आग जला दिए थे। नेथन जब बाहर निकलकर चेक करता है उसे पता चलता है ट्रेलर के ऊपर भी केरोसिन डाला गया है। आग अगर बुझाई नहीं गई तो बहुत जल्द गाड़ी तक फैल जाएगी। वो जल्दी से आग पर मिट्टी डालने लगते हैं और फॉर्चुनेटली किसी तरह बुझा भी देते हैं। उन्हें समझ नहीं आता आखिर ये बच्चे उनसे चाहते क्या है। वो उन्हें डराने के लिए जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगते हैं उनके पास गन है, बेहतर होगा वो लोग उनसे दूर रहे। मगर उनकी बात खत्म होने से पहले ही कहीं से एक बच्चा उसके सामने आ जाता है। बहुत ही वियर्ड तरीके से नेथन पर झपट पड़ता है, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। मगर नेथन भी तैयार थे, वो कुल्हाड़ी के एक वार से उसे सुला देते हैं। लेकिन वो बच्चा भागता नहीं, उल्टा जोर जोर से हंसने लगता है। अपने टूटे हुए गर्दन को वो ऐसे ठीक करता है जैसे हम किसी पुतले के साथ करते हैं। तब तक और भी बच्चे आ चुके थे, धीरे धीरे सभी नेथन को घेर लेते हैं। ट्रेलर में वापस जाने का रास्ता नहीं बचा था तो नेथन अपने गाड़ी में जाकर छुपते हैं, लॉक कर देते हैं दरवाजे को। मगर ये बच्चे उनका पीछा नहीं छोड़ते, बार बार उनसे पूछने लगते हैं क्या वो अंदर आ सकते हैं। नेथन समझ चुके थे ये स्पिरिट जो कुछ भी है उन्हें जब तक इनवाइट नहीं किया जाएगा, जब तक उन्हें परमिशन नहीं मिलेगा वो अंदर नहीं आ सकते। नेथन जल्दी से क्लेयर को रेडियो पर कॉल करके इस बात को बताने की कोशिश करते हैं, मगर कनेक्शन इतना वीक था कि किसी को कुछ ठीक से सुनाई ही नहीं देती। क्लेयर और मैगी एक साथ वॉशरूम में छुपे थे। रेडियो के रेंज में आने के लिए क्लेयर कुछ देर के लिए बाहर निकलती है और यहीं से सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। उन सभी को वैलर की आत्मा दिखाई देने लगती है जो जैसे उन्हें सोचते थे उनके दिल और दिमाग में उनके जैसी परछाई बनी हुई थी, उन्हें उसका वैसा ही रूप दिखाई देता है। वो उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, उन्हें अंदर बुलाने के लिए कहती है, लेकिन उन्हें पता था ये झूठ है, एक ट्रैप है उन बच्चों का। इसीलिए नेथन और क्लेयर राजी नहीं होते, उन्हें जाने के लिए कह देते हैं। गुस्से में वैलेरी उन्हें सेल्फिश बुलाती है, उन पर चिल्लाने लगती है, फिर भी काम नहीं बनता। कुछ देर कोशिश करने के बाद उसे हार मानना ही पड़ता है और उसके जाने के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, रेडियो भी ठीक ठाक काम करने लगता है। उधर क्लेयर को सुनाई देती है मैगी वॉशरूम में किसी से बात कर रही है, बुलाने पर भी वो रिस्पॉन्स नहीं करती और उसने खुद भी तो मैगी को दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा था, तो क्लेयर को पता नहीं चलता अंदर मैगी अपने माँ से बात कर रही है। बाकियों की तरफ वो स्पिरिट उसे भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, उसे खिड़की खोलने पर मजबूर कर देती है। मैगी कितने स्मार्ट क्यों ना हो, वो है तो एक बच्ची ही ना, जिस माँ को वो दिन रात मिस करती है उसे सामने देखकर वो खुद को संभाल नहीं पाई, खिड़की खोलकर उन्हें एंट्री दिला दी और स्पिरिट को भी रास्ता मिल गया उस पर कब्जा करने का। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है, लेकिन अंदर आकर क्लेयर को जो नज़ारा दिखता है उसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। उसे मैगी की लाश दिखती है, किसी ने बहुत ही बेरहमी से मैगी के शरीर को कुचला था।
पूरा वॉशरूम खून से लाल हो चुका था। क्लेयर शॉक में पागल हो जाती है, चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज़ रेडियो के जरिए नेथन तक भी पहुंचती है और उन्हें पता चल जाता है ट्रेलर के अंदर जरूर कुछ भयानक हुआ होगा, मगर वो चाहकर भी जा नहीं पाते क्योंकि बहुत सारे क्रीपी बच्चों ने उनके गाड़ी को घेर रखे थे। तो नेथन एक प्लान बनाते हैं, वो कुछ बच्चों को ललचाकर गाड़ी के अंदर भर देते हैं और बाकियों को चकमा देकर ट्रेलर तक जा पहुँचते हैं। क्लेयर तब भी रो रही थी, खुद को दोष दे रही थी, ये सब उसी के वजह से हुआ है, ना वो अपनी बहन को अकेला छोड़ती ना उसे मरना पड़ता। मगर जब नेथन चेक करते हैं उन्हें कुछ नहीं दिखता, कहीं कोई लाश नहीं थी ना खून था, बस मैगी गायब हो चुकी थी और उसके साथ साथ वो क्रीपी बच्चे भी। इस पॉइंट पर नेथन को सारा खेल समझ आ जाता है, ये सब कुछ मैगी के लिए ही हो रहा था, वो बच्चे असल में उसके पीछे पड़े थे क्योंकि उन्हें बच्चों की सोल चाहिए थी, अडल्ट की नहीं। मैगी को कुछ नहीं हुआ, क्लेयर ने जो देखा वो बस एक हेलुसिनेशन था, वो बच्चे चाहते थे उन्हें लगे मैगी मर चुकी है, लेकिन अगर वो सच में मर गई होती तो उसकी लाश भी तो होती यहाँ पर जैसे उस आदमी की थी। नेथन का मन कह रहा था उनकी बेटी जिंदा है, बस उसे ढूंढना होगा। क्लेयर भी जाती है अपने पिता के साथ और साथ में लेती है अपने माँ को, यानी कि उनके राख को। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था इस सब के साथ उसके माँ का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, शायद वो कुछ कहना चाहती है। यहाँ पर आने के बाद उसने एक बार उन्हें सपने में भी देखा है, इसका कुछ तो मतलब होगा ना। वो लोग बात कर ही रहे थे कि उन्हें मैगी की आवाज़ सुनाई देती है जॉनकीट की तरफ से, वो उनके साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। बहुत भाग दौड़ के बाद फाइनल एक जगह वो रुकती है, उसी कंटेनर के अंदर। अंदर बहुत अंधेरा था, टॉर्च की रोशनी से भी कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। क्लेयर को अभी तक सुबह का एक्सपीरियंस याद था तो वो अंदर जाने से मना कर देती है। नेथन अकेले अंदर जाते हैं और इमीडिएटली वो जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। उन्हें दिखती है वैलेरी, वो बहुत ही प्यार से उन्हें गले लगाती है और उनके साथ रहने के लिए कहती है। नेथन को पता था ये रियल नहीं है, फिर भी वो ज्यादा देर रेजिस्ट नहीं कर पाते, इमोशनल हो जाते हैं और धीरे धीरे वैलेरी की बातें कड़वी होने लगती है। वो फिर से उसे कोसने लगती है, उसे गिल्टी फील करवाने की कोशिश करती है, दोष देती है उसके लिए आज वो जिंदा नहीं है। इन बातों से नेथन का होश लौट आता है, उनकी पत्नी ऐसा कभी नहीं कह सकती, वो तो चाहती थी उनका परिवार खुश रहे, उनके बीच कोई खालीपन ना हो, सभी एक साथ रहे। उन्होंने खुद नेथन से एक बार कहा था कि सही समय आने पर उसे आज़ाद करने की जिम्मेदारी नेथन की है, उसे दर्द में नहीं जीना। नेथन ने तो बस वही किया है तो किस बात की गिल्टी फीलिंग्स होगी उसे। वो झट से खुद को अलग कर लेते हैं, इस स्पिरिट का जादू उस पर ज्यादा देर नहीं चलता। उन्हें बाहर से क्लेयर की आवाज़ सुनाई देती है, उन बच्चों ने उसे कॉर्नर कर लिया था। क्लेयर बहुत ज़्यादा डर गई थी और सेल्फ प्रोटेक्शन में उन्हें उस बॉटल से मारने की कोशिश करती है जिसके अंदर वैलेरी की राख थी। वो नोटिस करती है इससे वो बच्चे सच में ही डर जाते हैं, पीछे हटने लगते हैं। ठीक इसी समय नेथन भी आ पहुँचता है और सब कुछ देखकर उन्हें असली बात समझ आ जाती है, ये इवल स्पिरिट्स उनके अंदर के नेगेटिव इमोशंस पर फीड करते हैं। उन्होंने अभी तक वैलेरी के मौत को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके एशेस को स्कैटर नहीं किया, हर दिन उन बातों को याद करके दुखी होते रहे। गुड मेमोरीज की जगह उनके दिल और दिमाग में बस सैड मेमोरीज ही भरी पड़ी है, जिस कारण वो लोग उसे लेट गो कर नहीं पाए। आपस में उनका बॉन्डिंग खराब होता गया, रिश्तों में कूलनेस आ गई। इस सब का असर सबसे ज्यादा मैगी पर पड़ा, वो सबसे छोटी है मगर दिखाती नहीं, अंदर ही अंदर घुटती रही वो। शैतान ऐसे ही लोगों को तो अपना शिकार बनाता है, उन्हें इसी से पीछा छुड़ाना होगा, वैलेरी भी शायद क्लेयर से यही कहना चाहती थी। जब नेथन को ये सारी बात समझ आ जाती है वो और देर नहीं करते, उसी वक्त बॉटल से सारे राख को मिट्टी पर डाल देते हैं और खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं सच्चाई को, और साथ ही साथ ये बच्चे गायब हो जाते हैं। अभी वो और इन लोगों को डरा नहीं सकते। कुछ देर बाद उन्हें मैगी की आवाज सुनाई देती है कंटेनर के अंदर से, ये असली वाली मैगी थी, बेचारी रो रही थी, मगर अभी और कोई खतरा नहीं था, उनका मन हल्का हो चुका था और आपस में कोई गिले शिकवे भी नहीं थे। उगते सूरज के साथ आने वाला दिन उनके लिए एक नए जीवन की शुरुआत करता है, अ फ्रेश स्टार्ट। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ऑनेस्टली आई रियली लाइक दिस स्टोरी, आइडिया शायद यूनिक नहीं है मगर एग्जीक्यूशन अच्छा है, थ्रिलिंग है, एंटरटेनिंग है, स्टार्ट टू एंड आपको बोर नहीं करती। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।